हाय गाइस, आज इस वीडियो का टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और इसी को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। जब कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों सीपीयू है तो फिर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डिब्बा है बिना सीपीयू के। अगर आप कंप्यूटर को 2+2 इनपुट दे रहे हैं और कंप्यूटर आपको 4 रिजल्ट दे रहा है तो ये किसकी मदद से 4 डिस्प्ले कर रहा है? सीपीयू के। सीपीयू एक प्रोसेसर है, इसे एक प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। तो अब आपको क्या लिख के बताना है, व्हाट इज सीपीयू, शॉर्ट डेफिनेशन लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीपीयू से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से और आपके सारे डाउट को ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बता पाएंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द इन्वेंटर ऑफ सीपीयू, सीपीयू के फादर कौन है, किसने सीपीयू को बनाया है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, फेरेडिको फागिन, हरमन होलेरिथ, जॉन वॉन न्यूमैन, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फेडेरिको फागिन, ये सीपीयू के फादर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहते हैं? तो आपको पता है सीपीयू को। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ सीपीयू, सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4? तो राइट आंसर क्या होगा? सी, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ALU, CU और MU। ALU स्टैंड्स फॉर, अब आपको इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, बेसिक है, आप ये सोच के छोड़ देते हैं और एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही आता है, फिर आपको पता नहीं होता है, इसीलिए सभी को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU, CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर यूनिट, कंप्रेस यूनिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MU, MU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, CPU कंट्रोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPU किसे कंट्रोल करता है? मेमोरी, कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डेटा, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो सीपीयू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? ए एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या नहीं है? तो राइट आंसर होगा डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक हार्डवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर ऑफ सीपीयू, अगर आपको कहा जाए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि ये सीपीयू का राइट फीचर है, तो क्या बताएंगे? ए कहता है सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कंसिडर किया जाता है। सेकेंड,
सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, सीपीयू ऑल टाइप के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। सी कहता है इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यह डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करता है, और यह फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर डी होगा, इन सभी काम को कम सीपीयू करता है। तो ये सभी सीपीयू के राइट फीचर्स हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में अगर रिटन क्वेश्चन आता है तो आप इन्हें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का पार्ट है? सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर। करेक्ट आंसर होगा ए, सीपीयू एक सिस्टम यूनिट का पार्ट है। विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनमें से कौन सा पार्ट है सीपीयू का जो सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, उसके द्वारा किया जाता है? सीयू, एएलयू, मेमोरी, रजिस्टर्स। ये जो आप चार ऑप्शंस देख रहे हैं ना, ये सभी सीपीयू के ही पार्ट है। तो आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा पार्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है? तो राइट आंसर होगा बी, एएलयू। विच सेक्शन इज देयर टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग डेटा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा सेक्शन होता है सीपीयू में डेटा को कंपेयर, सिलेक्ट, मैच एंड मर्ज जैसे लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए? ए अर्थमेटिक सेक्शन, बी लॉजिक सेक्शन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन क्या करता है, जितने भी कंपेयर करने के काम हो, सिलेक्ट करने के काम हो, मैचिंग करने के काम हो, या फिर डेटा को मर्ज करने का काम हो, ये सब लॉजिकल सेक्शन करता है। और जितने भी मैथमेटिक्स के काम होते हैं वो क्या करता है, अर्थमेटिक सेक्शन करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ना आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एकदम डाउट को क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है फिर गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड, डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को अक्सर कहा जाता है? आईसी, क्लॉक, नर्व सेंटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, नर्व सेंटर। क्वेश्चन नंबर 15, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड, सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड, रजिस्टर्स, बस, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बस। क्वेश्चन नंबर 16, द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, एक सीपीयू बनने के लिए सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सीपीयू में क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्वेश्चन का ये मतलब है। ए इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, बी कंट्रोल यूनिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, सी कहता है कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, डी कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, सोच के बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज से मिलके बनता है सीपीयू। प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, इसके दो टाइप होते हैं रैम और रोम। क्वेश्चन नंबर 17, विच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी एक्ट करती है, यानी कि काम करती है? ए रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, और कैश मेमोरी को ही सबसे फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू,
इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसे डायरेक्टली सीपीयू द्वारा प्रोसेस नहीं किया जा सकता है? ए कैश मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। तो राइट आंसर डी होगा, एक्सटर्नल मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर आप इसे एक्सेस कराना चाहते हैं तो पहले हमें इसे प्राइमरी स्टोरेज में लाना पड़ता है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, यूएसबी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कंबाइंड इनटू वन यूनिट इट इज कॉल्ड। जब कंप्यूटर की अरिथमेटिक लॉजिक और कंट्रोल यूनिट्स को एक यूनिट में कंबाइंड कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑपरेटिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट। तो राइट आंसर ए होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहेंगे? तो एक सीपीयू बनने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। तो जब आप इन सभी को एक साथ कंबाइंड करेंगे तो एक यूनिट बनेगा और वो सीपीयू ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा इज कॉल्ड। वह प्लेस जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा स्टोर करता है उसे क्या कहा जाता है? बैकअप, मेमोरी, स्टोर हाउस, स्टोरेज यूनिट। तो राइट आंसर डी होगा, स्टोरेज यूनिट। जहाँ पे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर होते हैं उसे स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। तो हमने आज 20 क्वेश्चन देखे, अब चलिए फटाफट सभी को रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। एक सीपीयू में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है? यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस नहीं दिए जाएंगे, खुद ही आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ALU, CU एंड MU। किसने किसने पहले से राइट आंसर सोच लिया था कमेंट में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, CPU। CPU को ही हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। जो कैश मेमोरी होती है ये किसके बीच में काम करती है? राइट आंसर क्या होगा? CPU एंड RAM के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय। इनपुट को आउटपुट में मॉडिफाई कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है या फिर कह लीजिए कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर होगा सीपीयू के द्वारा, क्योंकि सीपीयू क्या है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 5, सीपीयू कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में देना है। तो क्या सीपीयू कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है? ट्रू या फॉल्स? तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रू, सीपीयू करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। कौन सी मेमोरी सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट प्रोसेस नहीं की जा सकती है? तो राइट आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू कंट्रोल्स। सीपीयू किसे किसे कंट्रोल कर सकता है? यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स में नहीं बताना है, एग्जैक्टली बताना है कि किसे किसे कंट्रोल करता है। राइट आंसर होगा ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट इज। सिस्टम यूनिट का पार्ट क्या है? राइट आंसर होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9, सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग डैश कंपोनेंट्स।
सीपीयू में अपने आप में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेंटर ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू के इन्वेंटर का क्या नाम है, सीपीयू के फादर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फेडेरिको फागिन। तो 10 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पार्ट 2 में हम जल्द मिलते हैं।